मुन्नार केरला की एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हर साल अपनी नेचुरल ब्यूटी, लॉश ग्रीनरी, टी प्लांटेशन और सीनिक व्यू पॉइंट की वजह से हजारों टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करता है। 5200 फीट की एवरेज ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड मुन्नार केरला की इडुकी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो कि एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का समर रिजॉर्ट भी हुआ करता था। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर एक शांत, सुंदर और रिलैक्सिंग जगह पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। वैसे तो मुन्नार आप साल की किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसून के टाइम पे यहाँ विजिट करने आते हैं, यहाँ की लॉश ग्रीनरी और एक्टिव वाटरफॉल्स का जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर आप भी मुन्नार की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा मुन्नार की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जो आपको यहाँ आकर जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 इको पॉइंट। मुन्नार की यात्रा पर यदि आप खूबसूरत और शांत वातावरण की तलाश कर रहे हैं तो इको पॉइंट आपके लिए सबसे खास साबित हो सकता है। शांत वातावरण और ठंडी हवा के साथ इस टूरिस्ट प्लेस पर पिकनिक मनाने का अपना ही एक अलग अनुभव है। ये स्थान एक सुंदर झील के किनारे पर स्थित है। यहाँ आप झरने के भीतर भी अपनी आवाज़ क्लियर रूप से सुन सकते हैं। इको पॉइंट के आसपास चाय, कॉफ़ी तथा मसालों के बागान भी है। इन स्थान पर घूमने के साथ साथ पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 9 ओनाईरंगल डैम। 1960 के दशक में बने सबसे बड़े मिट्टी के डैम में से एक ओनाईरंगल बांध मुन्नार से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ शानदार जलाशय पर नाव की सवारी एक अविस्मरणीय अनुभव है जिसे किसी भी आगंतुकों को नहीं छोड़ना चाहिए। टाटा टी स्टेट के पास स्थित इस खूबसूरत डैम को हाथी झील के नाम से भी जाना जाता है। बांध के आसपास घिरे चाय बगानों के शानदार नज़ारे के साथ साथ आप झील के पास पिकनिक का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 8 पावर हाउस वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स देवीकुलम में सीता देवी लेक से निकलती है और मुन्नार से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। ठेकड़ी के रास्ते में आपको एक कलकल करती खूबसूरत झरना देखने को मिलती है। हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएँ और चाय के बागान और किसी को यहाँ रुकने और आराम करने के लिए आकर्षित करते हैं। आप पावर हाउस फॉल्स के नीचे बने छोटे से पुल में डुबकी लगाकर आराम भी कर सकते हैं। ये शानदार झरना सड़क के किनारे भी है। यहाँ से आपको आसपास के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। आसपास की ढलानों पर चाय के बागान है और झरने के आसपास का इलाका कई तरह की फूलों वाली झाड़ियों से भरा हुआ है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए एक शानदार प्लेस है। नंबर 7 कुंडला लेक। कुंडला लेक मुन्नार में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। पहाड़ों से घिरे कुंडला डैम द्वारा बनाई गई ये सुंदर आर्टिफिशियल लेक पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतार है। ये झील अपने पेडल बोट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। कुंडला लेक समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मुन्नार से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंडला डैम एशिया महादेश का पहला आर्क डैम है। पर्यटक इस झील तथा बांध को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। नंबर 6 ऑटोगढ़ वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स इडुकी जिले में मुन्नार से पलीभासल के रास्ते में स्थित है। ऑटोगढ़ वाटरफॉल्स प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक स्थान है जहां आपको शांतिपूर्ण माहौल और जल का रोमांच अनुभव करने का मौका मिलता है। यहां की हर चोटी, हर चट्टान और हर पहाड़ अपने आप में एक कहानी सुनाता है। ऑटोगढ़ वाटरफॉल्स का पानी सरगर्म की तरफ गिरता है और यहाँ का दृश्य बिल्कुल अद्भुत है। मानसून के टाइम पे यहाँ जाना सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि बारिश के मौसम में ऑटोगढ़ वाटरफॉल्स अपनी चरम सीमा पर होता है। यदि आप मुन्नार में है तो ऑटोगढ़ वाटरफॉल्स जरूर देखें। ये आपको प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 5 अनामुडी पीक। अनामुडी पीक साउथ इंडिया की सबसे ऊँची चोटियों में से एक है। अनामुडी चोटी बिल्कुल हाथी की आकृति की प्रतीत होती है और यही खास वजह है जिसे इसका नाम अनामुडी पड़ा है, क्योंकि अनामुडी का मतलब ही हाथी का माथा होता है। सूर्य उदय के समय ये पर्यटन स्थान शानदार दिखाई देता है। इसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये पहाड़ी और इसके आसपास का क्षेत्र भारत में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करने के लिए भी जाना जाता है।
तो अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो ये आपके लिए सबसे अच्छे मुन्नार टूर प्लेस में से एक है। नंबर 4 चोकरामुड़ी पीक, एराबिकुलम नेशनल पार्क में स्थित और समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोकरामुड़ी पीक मुन्नार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो दुनिया के विभिन्न कोनों से लोगों का स्वागत करती है। जो ऊपर से उड़ुकी डैम, हरे भरे चाय के बागानों, घने जंगल और अद्भुत पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ आप ताज़ी हवा का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही वनस्पतियों और जीवों की विविधता को भी देख सकते हैं। चोकरामुड़ी चोटी की यात्रा पोथामेड़ू नामक व्यू पॉइंट से शुरू होती है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद आपके साथ अधिकारियों की एक टीम होगी जो आपको आवश्यक निर्देश देगी, जिसका पालन करके आप इस यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे। ये 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसे 4-5 घंटे में आसानी से पूरा किया जा सकता है। नंबर 3 कोलारी क्षेत्र, कोलारी पायाटू दुनिया में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप है जो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ है। ये युद्ध शैली अभी भी मुन्नार में कोलारी क्षेत्रों में प्रचलित और दिखाई जाती है। कोलारी क्षेत्र को मार्शल आर्ट की जननी माना जाता है और यहीं से कुंग फू तथा कराटे का विकास हुआ था। आज भी मुन्नार में कोलारी क्षेत्र में मार्शल आर्ट की प्रदर्शन केंद्रों का आयोजन किया जाता है। मुन्नार में शाम बिताने के लिए ये आपके लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 2 सलीम अली बार्ड सेंचुरी, सलीम अली बार्ड सेंचुरी मुन्नार का प्रमुख आकर्षण है और यहाँ 320 से अधिक प्रजातियाँ की बार्ड्स पाए जाते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ अभयारण्यों में से एक ये 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है। कुछ लोकप्रिय बर्ड्स जिन्हें आप देख सकते हैं, मालबार ग्रे हॉर्नबिल, क्रेस्टल ईगल, रोज बिल रोलर, उल्लू और सेलन फ्रॉग माउथ। इसके अलावा कई प्रवासी बर्ड्स भी यहां पाए जाते हैं। अभयारण्य में एक हिरन पार्क, एक स्मारिका की दुकान और पुस्तकालय, चीतीदार हिरन और सांबर के लिए एक खुला बाड़ा और एक पशु पुनर्वास केंद्र भी है। नंबर 1 टाटा टी म्यूजियम, मुन्नार अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। टाटा टी म्यूजियम मुन्नार के नलथनी में स्थित एक पर्यटक स्थल है। मुन्नार यात्रा पर आने वाले पर्यटक इस स्थान पर घूमने जरूर आते हैं, जो कि कई प्रकार की चाय की वेराइटी के ले जाना जाता है। मुन्नार में स्थित टाटा टी म्यूजियम टाटा ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। ये म्यूजियम मुन्नार को चाय की भूमि में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली यादगार तस्वीर और पुरानी मशीनरी को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ये थी मुन्नार की 10 सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। हालांकि मुन्नार में इन सब के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टाइम, बाय बाय।